हे गाइस, दिस इज़ प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 19th मई के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ आप इस वीडियो की PDF को examtrends.net वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए कई यूजफुल PDF वहाँ पर अपलोड किए गए हैं, वहाँ पर आप सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऐसा करने वाला है चीन। आपको पता है कि जो भी हम लोग सोशल साइट्स यूज़ करते हैं, कोई भी सोशल साइट चीन में एक्सेस नहीं होती, और अभी हाल ही में चीन ने विकिपीडिया के जो भी संस्करण हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सोशल साइट्स की बात करें तो कौन कौन सी साइट्स आएंगे, हमारा गूगल हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स। चीन ने ऑलरेडी इन सब चीज़ों को ब्लॉक करके रखा है ताकि लोगों में डिस्ट्रैक्शन ना हो, एंड दूसरी चीज़ कोई भी रूमर वहां तक ना फैले, इस वजह से इस तरह के काम किया जा रहा है। अब चीन से हमारे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहले तो जान लेते हैं चीन की कैपिटल क्या है। तो चीन की कैपिटल है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनमिंगबी। इसके अलावा चीन हाल ही में 2-3 वजहों के लिए चर्चित था। अभी तो लेटेस्ट का हम लोग पहले जान लेते हैं, एशियाई फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 ये कब होगा, या होगा चीन में होगा, या हर 4 साल में होता है और चीन में 2023 में होगा। बात आई है फुटबॉल की तो आपको बताना है कि भारतीय फुटबॉल के इस समय हेड कौन चुने गए हैं, भारतीय फुटबॉल के कोच, तो योर स्टमैक ये चुने गए हैं भारतीय फुटबॉल के कोच, ठीक है। इसके अलावा चीन चांद के पिछले हिस्से पर अपना स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला पहला देश बना है और उसने सफलतापूर्वक कपास का खेती भी किया है वहाँ पे। ये जो कपास की खेती है इसको करने वाला पहला देश बना है चीन, जबकि इसके पहले USA और रशिया भी चांद पे अपना स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा चीन ने AI न्यूज़ एंकर मेल और फीमेल दोनों लॉन्च किया था, और ये दोनों करने वाला कौन था, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय नौसेना के चयन बोर्ड को किस शहर में शुरू किया गया है। तो लोगों की भर्ती की जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके, इस उद्देश्य से भारतीय नौसेना के चयन बोर्ड को कलकत्ता में रखा गया है, कलकत्ता में शुरू किया गया है। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत किसने की, तो आपको सुनकर थोड़ा सा शौक लगेगा कि इसकी शुरुआत किया सुनील लांबा ने, क्योंकि मैं तो आपको काफ़ी दिन से पढ़ा रही हूँ कि करमवीर सिंह होंगे अगले अध्यक्ष। तो अभी सुनील लांबा का जो कार्यकाल है वो 31 मई को समाप्त होगा, जबकि इसका उद्घाटन कब हो चुका है, पहले ही हो चुका है। तो 31 मई के बाद करमवीर सिंह बनेंगे नौसेना के अध्यक्ष। अच्छा लगे हैं तो यहाँ पे जो भी और अध्यक्ष हैं उनको भी याद कर लेते हैं। वायुसेना के अध्यक्ष हैं BS धनोआ। इसके अलावा हमारे सेना के जो हमारे सशस्त्र सेना बल है उसके अध्यक्ष कौन है, उसके अध्यक्ष हैं हमारे दलवीर सुहाग, ठीक है। तो हमारे सॉरी थल सेना अध्यक्ष जो हैं वो हैं विपिन रावत, ना कि दलवीर सुहाग। दलवीर सुहाग इससे पहले थे, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा कौन है, विपिन रावत। अगला क्वेश्चन हमारा कि ICC की पहली महिला रेफरी कौन बन गई हैं। तो यह बन गई हैं GS लक्ष्मी। क्या इसके पहले कोई भी महिला रेफरी नहीं थी, नहीं, इसकी पहले भी बहुत सी महिला रेफरी थी। कुल मिला जुला के अगर हम लोग देखें तो कुल 7 महिला रेफरी थी इसके पहले, लेकिन ICC द्वारा चुनी गई यह पहली महिला मैच रेफरी हैं। और यह क्या करेंगी, ये जो पुरुष एक दिवसीय मैच होगा, या पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये भारत की हैं और इनकी नियुक्ति किसने किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। इसके पहले मैंने आपको कुछ दिन पहले ही अभी पढ़ाया था क्लेयर पोलोसेक के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुए पुरुष एक दिवसीय मैचों की रेफरी बनी थी। इसके अलावा अगर ओवरऑल हम लोग बात करें कि पहली मैच रेफरी कौन थी, तो कैथी क्रॉस थी। नाम याद रखिएगा, बहुत कम जगह आपको ये नाम मिलेगा, कैथी क्रॉस थी पहली महिला मैच रेफरी, ठीक। अगला हमारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा उच्च स्तरीय महासागर सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो यह होगा पुर्तगाल के एक स्थान लिस्बन में। लिस्बन कहाँ पे पड़ता है, पुर्तगाल में। कब होगा, तो यह होगा 2020 में 2 से लेकर के 6 जून के बीच में, ये भी याद रखिएगा। देखिए महासागर बहुत ही बुरी तरीके से प्रदूषित हो रहे हैं, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो बर्फ पिघलेंगे और प्लास्टिक पोल्यूशन के कारण महासागर भी जल्दी जल्दी प्रदूषित हो रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को
करके, क्योंकि उसी से उनको ट्रेड करना है ठीक। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के एक उच्च स्तरीय बैठक होगी लिस्बन में। और अगर ये मैप आप देख रहे हैं तो पुर्तगाल हमारा कहाँ पे पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। और इसके अलावा सबसे पहले पुर्तगाली नाविक 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में शुरू पहली लोकपाल वेबसाइट कौन सी है। तो इसका नाम है http://lokpal.gov.in। अब ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज किसकी है, तो ये हमारे भारत के पहले लोकपाल हैं पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष, ये है उनकी इमेज। अच्छा, बात आती है कि लोकपाल की जो चयन समिति होती है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। इसमें 5 सदस्य होते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता का जो पद था ये खाली रह गया था, किसी ने विपक्ष के नेता का रोल नहीं निभाया था क्योंकि पार्टी कोई थी नहीं विपक्ष के नेता में, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत ईरान की 11वीं संयुक्त राजनयिक बैठक हुई है कहाँ पे, तो यह हुई है नई दिल्ली में। कब हुई है, 14 मई को हुई है। और आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका इस समय बार बार किस स्टेट पे प्रतिबंध लगा रहा है, तो ईरान पर ही जो भी उत्पाद वहाँ से इम्पोर्ट किए जाते हैं। अगला हमारा कि विश्व दूर संचार और सूचना सोसाइटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिया है, तो अभी पहली बात तो आप यहाँ पे एक चीज़ अपना क्लियर कर लीजिए, यह पहला एशियाई देश है ताइवान, जो कि चीनी गणराज्य का एक देश है, इसने मंजूरी दिया है समलैंगिक विवाह को। लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि अभी कुछ दिन पहले हमने भारत में ये न्यूज़ पढ़ी थी, आपने भारत में जो न्यूज़ पढ़ी थी उसमें आर्टिकल 377 के एक को एक अफेंस से बाहर किया गया है, आपराधिक श्रेणी से बाहर किया गया है, ना कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ताइवान पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिया, पहला एशियाई देश, सॉरी कौन है, पहला एशियाई देश। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग जो हमारे कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा कि वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे कब मनाया जाता है, तो 17 मई जब टेलीकम्युनिकेशन डे होता है, विश्व टेलीकम्युनिकेशन डे, उसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे, याद कर लीजिए कि फ़ोन पे बात करते करते लोगों का गुस्सा आ जाता है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। और फ़ोन में ही क्या होता है, नो योर नंबर्स, यही है इसकी थीम। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की थीम क्या है, नो योर नंबर्स, कि आपका ब्लड प्रेशर नंबर क्या है। फिर हमारा कि सेशलम जैव मंडल रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला हमारा कि कलमकारी संबंधित है हस्तकला से, यह आंध्र प्रदेश की एक हस्तकला है कलमकारी। इसके अलावा था हमारा कि ससाकावा पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ससाकावा पुरस्कार दिया गया है प्रमोद कुमार मिश्रा को, आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा जोखिम को कम करने के लिए इनको दिया गया है ससाकावा पुरस्कार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019 से 2021 दस्तावेज किसने जारी किया, तो इसको जारी करने वाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। अगला हमारा कि किस राज्य की सरकार ने जून 2019 में कृत्रिम वर्षा करवाने का निर्णय लिया है, तो कर्नाटक की सरकार ने किया है कृत्रिम वर्षा करवाने का निर्णय। इसके अलावा था हमारा कि बुल स्ट्राइक अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो टेरेसा द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है, भारतीय सेना ने यहाँ पर किया है बुल स्ट्राइक अभ्यास। इसके अलावा था हमारा कि भारतीय फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया, तो इगोर इस्तमैक को भारतीय फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है, ठीक। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।